सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। गाइस आप विंडोज 7 यूज करते हैं और अपना विंडोज पर दोस्तों जब कभी भी इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर लैन केबल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तभी दोस्तों जो आपका कंप्यूटर में दोस्तों जो इंटरनेट होता है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, नॉट कनेक्टेड देखने के लिए आपको मिलता है, तभी आपको मेनी चैलेंज फेस करने के लिए पड़ता है दोस्तों। वाईफाई या फिर कह लो आप लैन केबल से आप कनेक्ट नहीं करने की वजह से आपको मेनी चैलेंजेस फेस करने के लिए पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा अगर अपना कंप्यूटर पर दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको पूरी तरह से मेथड वाइज बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। जब भी दोस्तों मैं कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए जाता हूँ तभी दोस्तों यहाँ पे नो कनेक्शन आर अवेलेबल देखने के लिए मिलता है। जो मेरा इंटरनेट होता है दोस्तों यहाँ पर मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ लैन केबल से या फिर कह लो वाईफाई से, तभी दोस्तों मुझे मैनी चैलेंजेस फेस करने के लिए पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है तो दोस्तों आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपको कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर व्यू बाय पर क्लिक करके दोस्तों आपको ये आपका कैटेगरी होगा आपको यहाँ पर लास्ट आइकन कर लेना है। लार्ज आइकन करने का ऐसा कुछ आपको आइकन मिलेगा, यहाँ पर फाइंड करना है दोस्तों आपको इंटरनेट ऑप्शन। यू कैन सी इंटरनेट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पर आपको कनेक्शन का सेक्शन पर आपको चले आना है। कनेक्शन का सेक्शन पर चले आने के बाद आपको लैन सेटिंग पर क्लिक करना है। यू कैन सी लैन सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग पर आपको ये ऑन टिक आपका होगा, इसमें आपको टिक लगा देना है। जैसे कि मेरा ये ऑन टिक था, ये मैं इसको मैं टिक लगा दूंगा फॉर एग्जाम्पल हिसाब से। देन इसमें आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करके एडवांस का ऑप्शन पर चले आके दोस्तों यहाँ पे आपको रीसेट पर क्लिक करना है। यू कैन सी रीसेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका पर्सनल डाटा जो भी है उसको आप रीसेट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको रीसेट पर क्लिक करना है दोस्तों। रीसेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर सेटिंग होता है दोस्तों वो पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, चलिए अभी मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जिट करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा कनेक्शन होता है दोस्तों अभी भी शो नहीं हो रहा है, जो मेरा अवेलेबल नेटवर्क होता है वो अभी भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम फिर से दिखाई देता है तो दोस्तों यहाँ पे ओपन नेटवर्क सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। सेंटर पर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओपन नेटवर्क सेटिंग सेंटर पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर साइड पर एक ऑप्शन मिलता है चेंज एडाप्टर सेटिंग। यू कैन सी चेंज एडाप्टर सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यू कैन सी गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपका लैन केबल है दोस्तों आपको दिखाई देगा, जो भी आपका वाईफाई है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें दोस्तों जैसे कि ये आपको देखने के लिए मिलेगा लैन लोकल एरिया कनेक्शन टू है, इसमें आपको राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको डिसेबल ये होगा दोस्तों, इसको आपको एनेबल कर लेना है। यू कैन सी एनेबल करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है, इसमें भी मैं वाईफाई जो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको भी मैं कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। यहाँ पर मैं डिसेबल ये होगा, इसको आपको एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा वाईफाई का जो आइकन है वो यहाँ पर दिखाई देगा। देन दोस्तों यहाँ पर जो आपका वाईफाई होता है दोस्तों यहाँ पर कई बार नो इंटरनेट कनेक्शन देखने के लिए मिलता है, या फिर दोस्तों जो आपका वाईफाई के ऊपर दोस्तों आपको एक यहाँ पर आइकन देखने के लिए मिलता है जो स्टार का आइकन, फिर भी यहाँ पर मैं क्या करना है दोस्तों ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों अपना वाईफाई में आपको राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पर चले आके दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्फिगर पर क्लिक करना है। कॉन्फिगर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है ड्राइवर का सेक्शन पर आपको चले आना है। ड्राइवर का सेक्शन पर यहाँ पे चले आने के बाद अपडेट ड्राइवर पर आपको क्लिक करना है। अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करके सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। यू कैन सी दोस्तों यहाँ पे द बेस्ट ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल लिखा हुआ आता है, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करके इसको भी मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर जो मेरा कनेक्शन अभी आ चुका है, तो अभी आपको क्या करना है स्टार्ट बटन पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इन आपको डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। चलिए इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से दिखे। देन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा नेटवर्क एडेप्टर। नेटवर्क एडेप्टर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका वाईफाई का जो ड्राइवर होगा दोस्तों इसमें आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आप हार्डवेयर में चेंजेस किए होंगे दोस्तों ये पूरी तरह से चेंजेस हो जाएगा। देन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा अवेलेबल नेटवर्क होता है दोस्तों अभी आ चुका है, कोई भी नेटवर्क को भी मैं आसानी से कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा अभी ये रेडमी का मैं अभी कनेक्ट कर चुका हूं, देखने के लिए मिलेगा जो इंटरनेट भी एक्सेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। ऑलराइट गाइस आपने देख लिया कि जो आपका विंडोज 7 में इंटरनेट कनेक्शन का जो प्रॉब्लम है दोस्तों आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूं। ऐसे दोस्तों आपका स्टेप बाय स्टेप करना है, जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे, और भी ऐसे सॉन्ग देखने के लिए डायनामिक टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।
गुड बाय।